नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार त्रिवेदी जो आज आपको चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, उस चैप्टर का नाम है यज्ञ। दोस्तों आज अपन जो पोर्शन पढ़ेंगे उसका नाम रहेगा यज्ञ, क्योंकि अपने जीके में इससे रिलेटेड कितने ही क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है, राजसूय यज्ञ होता है, सोत्रामणि यज्ञ होता है, पुरुषमेध यज्ञ होता है, तो अपने एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है कि या तो एक्टिविटी देकर यज्ञ का नाम पूछते हैं, जैसे ये एक्टिविटी हुई तो बताओ ये किस प्रकार का यज्ञ होगा, या यज्ञ का नाम देकर एक्टिविटी पूछते हैं बताओ राजसूय यज्ञ में क्या होगा। तो पर्टिकुलर आपको पता होना चाहिए कि उस समय के फेमस कौन कौन से यज्ञ थे और वो कब कब किए जाते थे, जिससे अपने को ये पता रहे कि एक्टिविटी के अनुसार अपन यज्ञ बता सके, यज्ञ के अनुसार अपन एक्टिविटी बता सके। तो दोस्तों उस जमाने के कुछ खास खास क्वेश्चन बताता हूँ वैदिक काल के, कि वैदिक काल में कुछ महत्वपूर्ण जो यज्ञ हुआ करते थे वो कौन कौन से हुआ करते थे, उनके नाम क्या क्या हुआ करते थे, उनमें क्या क्या किया जाता था। जैसे दोस्तों अगर पहले यज्ञ की बात करें तो सबसे मोस्टेड पहला यज्ञ आता है, उसका नाम है अश्वमेध यज्ञ। दोस्तों ये अश्वमेध यज्ञ का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, क्योंकि इसकी स्टोरी कई बार राम से रिलेटेड होती है, वो राम जिनको अपन भगवान के नाम से जानते हैं और मानते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं अश्वमेध यज्ञ क्या है, तो आओ दोस्तों इसको समझते हैं। जैसे कोई राजा है और राजा को ऐसा लगता है मैं सबसे ताकतवर हूँ, तो पहले तो करवाता अश्वमेध यज्ञ, फिर उसके बाद में घोड़ा छोड़ा जाता, फिर वो घोड़ा जहाँ जहाँ से जाता पूरी पृथ्वी पर, ऐसा नहीं है कई जगह पर, जिस भी राज्य में एंट्री कर जाता वो राज्य उस राजा का हो जाता जो अश्वमेध यज्ञ कर किया है या कर रहा है। नेक्स्ट उस राज्य में चले जाता। अब नेक्स्ट जिस राज्य में गया है, अगर उस राज्य के राजा को लगता है कि ना मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ तो घोड़े को पकड़ लो और बांध लो, और लगता है ना ना मैं उससे कम ताकतवर हूं तो घोड़े को जाने दो, घोड़ा जिन जिन राज्यों के अंदर से जाएगा वो सारे राज्य उस राजा के मान लिए जाएंगे जिसने अश्वमेध यज्ञ किया है। और अगर किसी ने घोड़े को पकड़ लिया तो उसे उस राजा के साथ युद्ध करना होगा, जो जीता वो सिकंदर मान लिया जाएगा। यानी अश्वमेध यज्ञ क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से राज्य विस्तार के लिए किया जाता है। राज्य विस्तार किस प्रकार से किया जाता है, घोड़े के माध्यम से राज्य विस्तार किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अश्वमेध यज्ञ का टारगेट क्या रखा जाता था, साम्राज्य विस्तार, सीमा विस्तार, राज्य विस्तार, इसका टारगेट रखा जाता था। ये साम्राज्य विस्तार किस प्रकार से किया जाता, क्या हर राज्य में जा जाकर लड़ाई की जाती, ना दोस्तों एक घोड़ा छोड़ा जाता, ये घोड़ा जिन जिन राज्यों में से जाएगा वो राज्य स्वतः ही उस राजा के मान लिए जाएंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि साम्राज्य विस्तार के लिए घोड़े के माध्यम से जो यज्ञ किया जाता था उस यज्ञ को क्या कहा जाता है, अश्वमेध यज्ञ। या अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, घोड़े के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार होता है। तो आपको पर्टिकुलर पता होना चाहिए अश्वमेध यज्ञ क्या है और इसमें क्या एक्टिविटी की जाती है। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा यज्ञ जिसका नाम रहेगा राजसूय यज्ञ। अब बात आती है राजसूय यज्ञ क्या होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना राज्याभिषेक, राज्याभिषेक, राज्याभिषेक के समय जो यज्ञ किया जाता है उसे राजसूय यज्ञ कहा जाता है। दोस्तों जब भी राज्याभिषेक होता था तो राजा ऐसा नहीं था कि किसी का भी मुकुट उतारा दूसरे पर रखा वो राजा हो गया, ना, पर्टिकुलर यज्ञ होता, उसके बाद में स्नान ध्यान होता, पंचामृत से उस बंदे का स्नान किया जाता, फिर अनुष्ठान के साथ साथ मुकुट का परिवर्तन किया जाता। तो नेक्स्ट जब वो राजा बनता उस समय जो यज्ञ होता था उसे कहा जाता था राजसूय यज्ञ। तो आपसे कई बार पूछा जाएगा राजसूय यज्ञ किससे रिलेटेड है, राजा के राज्याभिषेक से रिलेटेड है। कई बार क्वेश्चन आता है राजा जब राज्याभिषेक करवाता था उस समय कौन सा यज्ञ होता था, उसका नाम था राजसूय यज्ञ। नेक्स्ट दोस्तों तीसरा यज्ञ आता है वेरी मोस्टेड, जिसका नाम है वाजपेय यज्ञ। अब बात आती है कि ये वाजपेय क्या यज्ञ क्या है। नेक्स्ट इसमें राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। नेक्स्ट शक्ति प्रदर्शन के लिए जो यज्ञ किया जाता उसे वाजपेयी यज्ञ कहा जाता। अब शक्ति प्रदर्शन कैसे करता है, या क्या यज्ञ के बीच में अपने बाइसेप मारने लग जाता है, उछल उछल कर हर किसी को मारने लग जाता, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। वाजपेयी यज्ञ में क्या होता है कि अपनी पूरी सेना को खड़ा करता, पूरा अन्न धन्य दिखाता, पूरा अपना साम्राज्य दिखाता, राजपाट दिखाता, दरबार दिखाता, अपने साम्राज्य का विस्तार दिखाता। यानी नेक्स्ट जो वाजपेयी यज्ञ होता था उसमें
अतिथि बुलाए जाते थे, यानी अलग अलग राजाओं को आमंत्रण दिया जाता था कि आस पड़ोस के जितने भी राज्य हैं, जितने भी देश हैं, उन सारे देश, सारे राज्य, चाहे वो 100 हो, 1000 हो, लाख हो, सबको निमंत्रण दिया जाता, सबको आदर सम्मान बिठाया जाता, उनके सामने सेना दिखाई जाती, उन्हें राजपाट, सोना, धन, कुबेर सब कुछ दिखाया जाता, उनका आदर सत्कार किया जाता, पैसा दिया जाता और उन्हें विदाई दी जाती। तो पूरे विश्व को जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जाता कि मेरे पास क्या है और मैं क्या हूं, वो जो दिखाया जाता उसे वाजपेयी यज्ञ के नाम से जाना जाता था। इसमें क्या होता दोस्तों, अंत में जब जैसे ही शक्ति प्रदर्शन हो जाता कि राजा यह बता चुका होता कि मैं क्या क्या हूं और मेरे पास क्या क्या है और मैं क्या क्या कर सकता हूं, उसके बाद में रथ दौड़ का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता। तो आपसे कई बार पूछा जाएगा कि यह वाजपेयी यज्ञ क्या होता, इसमें राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता कि मेरे पास कितनी शक्ति है, कितना कुबेर है, कितना बल है, कितनी सेना है, यानी अपने बड़ा चढ़ाकर घमंड दिखाता कि मैं क्या हूं। नेक्स्ट और अंत में रथ दौड़ की जाती कि देखते हैं किस राजा का रथ तेज दौड़ता है और सीमा से पहले पहुंचता है। तो नेक्स्ट आपसे कई बार पूछा जाता है वाजपेयी यज्ञ में क्या दिखाया जाता, शक्ति प्रदर्शन के लिए यज्ञ होता था। कई बार आता है कौन से यज्ञ के अंत में रथ दौड़ का प्रदर्शन किया जाता था, वाजपेयी यज्ञ के अंत में रथ दौड़ का प्रदर्शन किया जाता था। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है वाजपेयी यज्ञ में क्या किया जाता था और किसका प्रदर्शन किया जाता था। तो दोस्तों चाहे वो पर्टिकुलर नाम से आपसे तथ्य पूछे या तथ्य से नाम पूछे, प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद में अगर देखते हैं तो चौथा आता है, उसका नाम है अग्निस्टोम यज्ञ। अब दोस्तों देखो ये अग्निस्टोम यज्ञ क्या है, पाप को नष्ट करके स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया जाता था उसे अग्निस्टोम यज्ञ कहा जाता था। दोस्तों एक और यज्ञ होता था, ये ध्यान रखना दोस्तों, अपन जो यज्ञ पढ़ रहे हैं वो फेमस यज्ञ पढ़ रहे हैं, कोई और तो ऐसे तो होने में नए करते हो, हजारों से ज्यादा यज्ञ होते थे। ये वो यज्ञ हैं जो अपने एग्जाम में बार बार पुटअप किए जाते हैं कि ये यज्ञ क्यों किया जाता था, इस काम के लिए क्या यज्ञ किया जाता था। तो पर्टिकुलर आपको पता होना चाहिए कि राजा अपनी जिंदगी में कई पाप कर देता, कई युद्ध करता, कई सेनाओं को मार देता, कई साम्राज्यों को बिखेर देता, जनता को कुचल देता। तो अंत में जब वो बूढ़ा हो जाता और उसे लगता कि नाना यार मैंने तो बहुत पाप किया, अब तो स्वर्ग शायद ही मिले, नाना मैंने तो बहुत पाप किया, अब तो मोक्ष शायद ही मिले, तो अपने पापों को नष्ट करने के लिए जिस यज्ञ का प्रदर्शन किया जाता था उसका नाम होता था अग्निस्टोम यज्ञ। ये अग्निस्टोम यज्ञ इस कारण किया जाता था कि राजा अपने पापों को नष्ट करके स्वर्ग को प्राप्त कर सके कि हां मैंने जितने भी पाप किए हैं हे भगवान यही किए हैं, धुल जाए और मेरे को मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो पापों को नष्ट करने के लिए और स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया जाता था उसका नाम होता था अग्निस्टोम यज्ञ। तो आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि पापों को नष्ट करने के लिए कौन सा यज्ञ होता था, स्वर्ग प्राप्ति के लिए कौन सा यज्ञ होता था, या पूछा जा सकता है अग्निस्टोम यज्ञ क्यों होता था। पांचवा जो यज्ञ होता है था उसका नाम था सोत्रामणि यज्ञ। अब बात करते हैं यह सोत्रामणि यज्ञ क्यों होता था और किस प्रकार से होता था। तो दोस्तों सोत्रामणि यज्ञ की सबसे खास बात, यह एकमात्र ऐसा यज्ञ होता जिसमें पशु व मदिरा की हवी लगती। हवी का मतलब होता है दोस्तों कि अपन यज्ञ में जो भी डालते हैं ना अनाज वनाज, उसे कहते हैं हवी। हवी अपन नहीं बोलते स्वाहा, तो स्वाहा करके जो डालते हैं उसे कहते हैं हवी। और ये सोत्रामणि एकमात्र ऐसा यज्ञ था जिसमें शराब, मदिरा यानी वाइन यानी ठिक्का, उसकी हवी लगती थी और नेक्स्ट पशु की हवी लगती थी कि पशु की मुंडी काट कर उस यज्ञ में डाला जाता था। तो आपसे पूछा जाएगा एकमात्र ऐसा यज्ञ जिसमें मदिरा और पशु की बलि यानी हवी लगा करती थी, उस यज्ञ को क्या कहते हैं, सोत्रामणि यज्ञ। तो आपसे पूछा जा सकता है सोत्रामणि यज्ञ की विशेषता क्या है, या कौन सा एकमात्र ऐसा यज्ञ है जिसमें मदिरा की हवी लगती है और पशु की हवी लगती है, उसका नाम होता है सोत्रामणि यज्ञ। इसके अलावा दोस्तों बस एकमात्र और यज्ञ है जो वेरी मोस्टेड है, अपने से लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, उस यज्ञ का नाम है पुरुषमेध यज्ञ। अब बात आती है पुरुषमेध यज्ञ क्यों किया जाता था, तो अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाने के लिए किया जाता था और इसमें विद्वान की
बलि दी जाती थी, ऐसा विद्वान जो स्वस्थ हो, ऐसा विद्वान जो स्वस्थ हो। तो आपसे पूछा जाएगा कि अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए, कि राजनीतिक रूप से पूरा वर्ल्ड मेरे को मान ले कि मैं सबसे बड़ा राजा हूं, इसके लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? उसका नाम था पुरुषमेध यज्ञ। और पुरुषमेध यज्ञ जैसे ही संपन्न हो जाता और उसको लगता है कि हाँ हाँ पूरा वर्ल्ड मेरे को मान चुका है कि मैं इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉलिटिकल हूं, यानी लीडरशिप करने वाला हूं, मेरी राजनीतिक सबसे बड़ी है, उस समय एक स्वस्थ विद्वान की बलि दी जाती थी, ऐसा विद्वान जो शारीरिक रूप से रिष्ट पुष्ट हो। क्योंकि ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी विकारित व्यक्ति की बलि नहीं दी जाती। आपने कई बार सुना होगा कि बीरबल की वो उंगली कट गई थी, इस कारण उसकी बलि नहीं दी गई। ये अकबर की कहानी की, अकबर की उंगली कट गई थी, बलि नहीं दी गई, वो चंपक कहानियों पे अपन पढ़ते हैं। तो जिसके शरीर में किसी भी प्रकार की क्षति आ जाती है उसकी बलि नहीं लगती। तो इसमें ऐसे विद्वान की बलि दी जाती है, वह विद्वान जो बिल्कुल स्वस्थ हो। तो आपसे पूछा जाता है, एकमात्र ऐसा यज्ञ जिसमें स्वस्थ विद्वान की बलि दी जाती है, पुरुषमेध यज्ञ। नेक्स्ट, राजनीतिक वर्चस्व प्राप्त करने के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता है? पुरुषमेध यज्ञ। और कई बार क्वेश्चन आता है पुरुषमेध यज्ञ क्यों किया जाता है, इसकी विशेषता क्या है? तो दोस्तों, ये कुछ मोस्टेड यज्ञ है जो पॉइंटेड टू पॉइंटेड अपने एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन सा यज्ञ क्यों किया जाता है और उसकी विशेषता क्या है। दोस्तों, यहीं पर मैं एक और चीज बता देता हूं, ऋण। ऋण का मतलब होता है उधार, यानी लोन। व्यक्ति जैसे ही जन्म लेता है उस पर कितने प्रकार के ऋण यानी लोन चढ़ जाते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों, तीन प्रकार के ऋण वैदिक काल में बताए गए हैं। अपने पुराणों में, अपने वेदों में तीन प्रकार के ऋण बताए गए हैं। पहले ऋण का नाम बताया गया है पितृ ऋण, दूसरे ऋण का नाम बताया गया है ऋषि ऋण, और तीसरे ऋण का नाम बताया गया है देव ऋण। कहा जाता है कि जो पृथ्वी पर आया है वो जब तक संतान उत्पन्न नहीं करता है तब तक वो पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है। यानी पृथ्वी पर आया है तो संतान उत्पन्न करना अनिवार्य है, तभी वो अपने पिता के ऋण से मुक्त हो पाएगा। जिस प्रकार से पिता ने उसको उत्पन्न किया, उसका भी ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो अपनी संतान को उत्पन्न करे और सृष्टि के कार्यक्रम को चलाए। फिर ऋषि ऋण क्या होता है कि जिस संतान को उसने पैदा किया है उस संतान को विद्या, एजुकेशन दे। नेक्स्ट, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी संतान को पैदा किया और पैदा करके छोड़ दिया। क्लियर कि हाँ भाई टारगेट है, टाबर पैदा करो, टाबर पैदा करो, टाबर। जितनी भी संतान उत्पन्न करोगे उनको एजुकेशन देना कंपलसरी है, तभी आप ऋषि ऋण अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो सकते हो। नेक्स्ट, जिस प्रकार से गुरु ने आपको एजुकेशन दी है, आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप अपनी संतान को भी एजुकेशन दो और उसे भी एजुकेटेड करो। नेक्स्ट, तीसरा होता है देव ऋण। अगर आप एजुकेटेड हो चुके हो तो आपका यह कर्तव्य है कि भगवान के लिए यज्ञ, धार्मिक कार्य वह अनुष्ठान करो, जिससे आत्मा भी आपकी शांत हो सके। नेक्स्ट, जिस प्रकार से आपके जन्म लेने पर माता पिता के द्वारा अनुष्ठान करवाए गए, इसी प्रकार से आपका भी दायित्व बनता है कि जैसे ही आपका एजुकेशन आ चुका है, माइंड विकसित हो चुका है, आपका यह उत्तरदायित्व बनता है कि आपको भी धार्मिक कार्य करने चाहिए। नेक्स्ट, वेदों में यह लिखा हुआ है कि जैसे ही मानव का जन्म होता है उस पर तीन प्रकार के उधार छड़ जाते हैं। जब तक ये तीनों प्रकार के उधारों को नहीं चुकाएगा या ऋण मुक्त नहीं होता है, तब तक इस पृथ्वी पर आवागमन 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 चलता ही रहेगा। मरेगा फिर पृथ्वी पर आएगा, मरेगा फिर पृथ्वी पर आएगा, मरेगा फिर पृथ्वी पर आएगा। अगर वो चाहता है कि इस पृथ्वी के आवागमन 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 से मैं मुक्त हो जाऊं और मेरे को मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो उसे पितृ ऋण से मुक्त होना पड़ेगा, यानी संतान उत्पन्न करनी पड़ेगी। ऋषि ऋण से उत्पन्न होना पड़ेगा, यानी उसे एजुकेशन देनी होगी। और देव ऋण से मुक्त होना पड़ेगा, यानी धार्मिक कार्य करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, पर्टिकुलर ये होता है अपना चैप्टर, जिसमें अपने को पता चले कि यज्ञ जो मोस्टेड थे कौन कौन से थे, ऋण कौन कौन से थे। चलो एक बार रिपीट कर देता हूं। नेक्स्ट, सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ, साम्राज्य विस्तार के लिए घोड़ा छोड़कर जो यज्ञ किया जाता है। राजसूय यज्ञ, राज्याभिषेक के समय जो यज्ञ किया जाता है। वाजपेयी यज्ञ, जिसमें शक्ति प्रदर्शन दिखाई जाती है और अंत में रथ दौड़ की जाती है। अग्निष्टोम यज्ञ, अपने किए गए पापों को नष्ट करने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया जाता है। सोत्रामणि यज्ञ, वह यज्ञ जिसमें पशु और मदिरा की हवि दी जाती है। पुरुषमेध यज्ञ,
अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए जो किया जाता है, स्वस्थ विद्वान की जिसमें बलि दी जाती है। तीन प्रकार के ऋण, संतान उत्पन्न करना पितृ ऋण से मुक्त होना, उसको एजुकेशन देना ऋषि ऋण से मुक्त होना, धार्मिक कार्य करना देव ऋण से मुक्त होना। दोस्तों ये वो पॉइंट है जो अपने एग्जाम में बार बार पॉइंट टू पॉइंट पुटअप होते रहते हैं, चाहे वो कोई एग्जाम दो, आप अपनी स्टेट के एग्जाम दो या नेशनल लेवल के एग्जाम दो, इसका नाम जीके है दोस्तों, चाहे कोई एग्जाम दे लो ये तो सेम टू सेम एज इट इज ही आएगी। नेक्स्ट, आप अगर और भी चाहते हो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको सब कुछ जीके के आपके पास घर बैठे आ जाएं और नेक्स्ट कलेक्टर लेवल तक के सारे वीडियो आ जाएं, तो कंटिन्यू जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे एवरी टू डे यानी दो दो दिन में आपके पास वीडियो उपलब्ध होते रहें। एक और दोस्तों इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अपने दोस्त भी घर पर बैठकर भी आसानी से पढ़ सकें। थैंक यू एंड धन्यवाद।